We solve some assignment questions, okay, of your mechanics. Okay, so we'll continue it today as well. ठीक है, कल हमने जहां तक क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसके आगे से हम आज क्वेश्चंस क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. तो देखो, कल हमने यहाँ पे आपके असाइनमेंट बुक लेट के आई गेस क्वेश्चन नंबर 3C तक कर लिया था. ठीक है, कल हमारा कहाँ तक हो गया था? क्वेश्चन नंबर सी तक, यहाँ तक हो गया था. ठीक है, आज हमको कवर करना है यहाँ से क्वेश्चन नंबर डी से. ठीक है, आपका डी पार्ट होगा और क्वेश्चन नंबर 5 और 4 और 5 कंप्लीट करना है. ठीक है, तो चलो देखते हैं आखिर हमारा क्वेश्चन नंबर डी में क्या है. ठीक है, कल मैंने ऐसे एक्सप्लेन किया था यहाँ पर. ठीक है, काफी बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा था. ठीक है, तो आज मैं आपको प्रॉपर सॉल्व करके बता दूंगी. ठीक है, अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो, जैसे यहाँ पर प्रॉपरली समझ में नहीं आता है, तो विल स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. ठीक है, तो यहाँ पर एक काम करो, सब अपने असाइनमेंट बुकलेट्स ओपन करके रख लो. ठीक है, तो मैं इस स्क्रीन को हटा रही हूँ एंड आई एम शेयरिंग द पीपीटी. ठीक है, तो एक बार वहां से आप क्वेश्चंस को देख सकते हो. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर डी है आपका, अ वर्टिकुलर सर्कुलर राइड इन एन अम्यूजमेंट पार्क हैज अ रेडियस ऑफ 3 मीटर. ठीक है, कोई आपकी राइड है. ठीक है, उसका रेडियस कितना दिया हुआ है हमको? रेडियस दिया हुआ है हमको 40 मीटर. ओके, हो जाएगा, धीरे धीरे रनिंग करोगे ना सर। यू आर सिटिंग इन अ कार दैट इज जस्ट एट द टॉप ऑफ द राइड. हाउ फास्ट मस्ट द कार कैन बी मूविंग सो डेट यू मोमेंटरी लिफ्ट ऑफ योर सीट एंड फील वेटलेसनेस. ठीक है, तो यहाँ पे हमको कौन सा वर्ड हाईलाइट, यहाँ पे से बोल सकते हो कौन सा आपका की वर्ड है. तो की वर्ड हमारा क्या हो गया? वेटलेसनेस. ठीक है, हमारी सर्कुलर राइड है तो कौन सी फोर्स होगी? एक हमारी होगी सेंट्रिपिटल फोर्स और एक हमारी होगी ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है, वेटलेसनेस की कंडीशन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सिंपल सी चीज है, वेटलेसनेस की कंडीशन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? दोनों फोर्स को इक्वल करना पड़ेगा. यानी जो हमारा सेंट्रिपिटल फोर्स है वो किसके इक्वल होगा? वो होगा हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल. ठीक है, तो आई एम शेयरिंग द सॉल्यूशन हियर. ठीक है, अगर किसी को नोट करना तो साथ में नोट करते जाओ. ओके, तो क्या था क्वेश्चन हमारा? क्वेश्चन था, ठीक है, रेडियस हमारा 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है. सिंपल, रेडियस हमारा कितना दिया है? 40 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर बोल दिया. जी की वैल्यू आपको दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, मैंने कहा क्या है? वेटलेसनेस है तो सिंपल हमको क्या रखना है? दोनों फोर्स को इक्वल करना है. एफ सी इक्वल टू एफ जी. ठीक है, सेंट्रिपिटल फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सिलरेशन जो आपका आएगा. एफ जी क्या होगा? मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन. ठीक है, एम इंटू जी. एम से एम क्या हो जाएंगे हमारे? कैंसिल. ठीक है, अब ए सी क्या होता है? यहाँ पर ए सी की वैल्यू क्या आएगी, कौन बताएगा? बताओ भाई, एंगुलर एक्सिलरेशन है ना, तो एंगुलर एक्सिलरेशन क्या होगा? वी स्क्वायर अपॉन आर राइट इज इक्वल्स टू जी. क्या फाइंड करना है हमको यहाँ पे? हाउ फास्ट मस्ट द कार विल बी मूविंग, यानी वो क्या फाइंड करना है आपको? फाइंड करनी है एंगुलर वेलोसिटी राइट. इसको ट्रांसपोज कर दो, क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर जी. मैं बस आपको सॉल्यूशंस बता रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना है. ठीक है, स्टेप बाय स्टेप तो लिख सकते हो ना, केवल आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना पड़ेगा सारी चीजें राइट. तो क्या हो जाएगा? डिस्क्राइब आप कर लेना, केवल सॉल्यूशन बता रही हूँ सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू. ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वी की वैल्यू अंडर रूट आर इंटू जी, यस और नो? सॉल्व कर दो इसको, कितना आ जाएगा? आर हमारा क्या है? रेडियस. कितना दिया हुआ है? 40. जी की वैल्यू कितनी दी हुई है? 10. आंसर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 400, दैट मीन्स 20 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो दिस विल बी द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 3D. ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो. एक सेकंड का पॉज लेते हैं, फिर हम जाते हैं हमारे क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर, ठीक है, फोर्थ का क्वेश्चन नंबर ए डन। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ये है आपका क्वेश्चन नंबर फोर का ए, ओके फोर्थ ए। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन रीड करो। अ ग्राइंडिंग व्हील स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड हैज अ कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 5 रेडियन पर स्क्वायर। ठीक है, हमको क्या दिया हुआ है यहाँ पे, हमको सिंपल एक एंगुलर एक्सेलरेशन दिया हुआ है, किसका, किसी व्हील का, जो क्या है 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, एट टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड यानी 5 सेकेंड होने के बाद फाइंड द टोटल एक्सेलरेशन एट अ पॉइंट 1 मीटर फ्रॉम द एक्सिस। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हो डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, या किसको हम 1 मीटर, सिंपल वर्ड्स में टाइम हमारा दिया हुआ है 5 सेकेंड। ठीक है, कोई व्हील था, स्टार्ट हुआ किस पे, एंगुलर एक्सेलरेशन उसका कितना दिया है 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर के डिस्टेंस पे वो कितना टोटल एक्सेलरेशन शो करेगा वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, सिंपल वर्ड्स है, सिंपल चीजें हैं, काफी कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे क्वेश्चन देखकर क्या इसमें करना क्या है। ठीक है, टोटल एक्सेलरेशन किससे मिलके बनता है, टोटल एक्सेलरेशन आपका एक रहेगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, या आप बोल सकते हो एंगुलर, ठीक है, और दूसरा आपका रहेगा टेंजेंशियल। ठीक है, इसको सेंट्रीपिटल ही समझो। ठीक है, क्योंकि हमको पता है अगर यहाँ पर कोई एक्सेलरेशन है तो उसके 2 कंपोनेंट होंगे, राइट, परपेंडिकुलर, एक आपका होता है टेंजेंशियल जिसको हम डिनोट करते हैं ए टी से, एक आपका होगा सेंट्रीपिटल जिसको हम डिनोट करते हैं ए सी से। ठीक है, हमको क्या करना है, हमको 2 वैल्यू फाइंड करनी है, एक ए सी की और एक हमको फाइंड करनी है वैल्यू ए टी की। ठीक है, दोनों की वैल्यू फाइंड करेंगे, दोनों को क्या कर देंगे हम, दोनों को सिंपल वर्ड्स में बोलूं क्या कर दोगे, एडिशन कर दोगे। ठीक है, यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, अब देखो एंगुलर एक्सेलरेशन हमें दिया हुआ है 5 रेडियन। ठीक है, यहां से आपकी एंगुलर वेलोसिटी निकल कर आ जाएगी, क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू टी, सबको पता है एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। यहां से एंगुलर वेलोसिटी निकाल लो कितना आ जाएगा, एक्सेलरेशन हमारा दिया हुआ है 5, टाइम हमारा दिया हुआ है 1, तो जो हमारी एंगुलर वेलोसिटी है वो निकल कर आ जाएगी 5 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, क्या आ गई हमारी एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, अब हम यहां से निकाल लेते हैं हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, आर इंटू अल्फा। ठीक है, क्या होता है, R इंटू अल्फा, अल्फा आपका क्या है यहाँ पे, एंगुलर एक्सेलरेशन, R की वैल्यू वापस से 1 रख दो, 5 रख दो, तुम्हारे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना निकल कर आ जाएगा, 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक वैल्यू ये हो गई, इसको कहाँ रखिए, इसको यहाँ पे बॉक्स अप कर देते हैं। ठीक है, एक आपकी वैल्यू फर्स्ट हो गई, अब दूसरा हमको निकालना है एंगुलर क्या, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ, एंगुलर वेलोसिटी है हमारे पास, क्या होता है फॉर्मूला सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, पता है किसी को, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपका होता है सिंपल आर इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, जहां पे ओमेगा आपकी क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो, आर की वैल्यू क्या है, वापस से 1 हो गई, एंगुलर वेलोसिटी कितनी निकल कर आई थी हमारी यहाँ पे 5, राइट, पुट करो यहाँ पे, एक सेकेंड, कुछ गलत हुआ क्या, टाइम हमारा यहाँ पे 5 सेकेंड था ना कि 1, तो यहाँ पे 1 कैसे पुट हुआ, यहाँ पे तो 5 आएगा ना, तो इट विल बी 25, राइट, तो आर कितना हो जाएगा 25 स्क्वायर। अगर कहीं पे लगता है गलती हो रही है तो प्लीज एटलीस्ट हैंड रेस कर बता दिया करो। ठीक है, अदरवाइज आई विल थिंक कि मैं यहाँ पे बस बोलती जा रही हूँ, तुम लोग बस सुनते जा रहे हो, अगर गलत बोल रही हूँ तो गलत भी सुनकर लिख रहे हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना, अगर कुछ गलत हो रहा है, कुछ मिस्टेक है, तो एटलीस्ट पॉइंट आउट करो। ठीक है, कि मैम यहाँ पे 1 कैसे है, किसी ने नहीं पूछा,
ओके क्या निकल कर आया हमारा एक्सेलरेशन यहाँ से 25 स्क्वायर कितना हो गया 625 ठीक है हो गया. एक हमारा निकल कर आया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना आया 5 और सेंट्रिपिटल कितना निकल कर आया 625 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर ठीक है. इसको अब मैं यहां से इरेज कर रही हूं ठीक है ये वाला पोर्शन सबने नोट कर लिया इस वाले पार्ट को इरेज कर देते हैं. कहाँ तक रखना है हमको बस टोटल एक्सेलरेशन निकालना है. एक एक्सेलरेशन हमारा आ गया 5 एक हो गया 65 दोनों को ऐड कर देंगे टोटल निकल कर आएगा यस और नो नहीं क्योंकि क्या है हमारे एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर के लिए क्या होगा वेक्टर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर राइट. तो इस केस में क्या हो जाएगा इस केस में हमारा हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर ठीक है. ए सी आओ कितना हो गया 5 स्क्वायर प्लस 625 होल स्क्वायर अंडर रूट. अब इसको सॉल्व कर लोगे या मैं सॉल्व करूं कितना हो जाएगा आंसर 5 का आएगा 25 625 का कितना होता है कोई बताएगा कैलकुलेटर यूज करके यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स एज वेल ठीक है चैट बॉक्स में लिख सकते हो कितना हो जाएगा 625 का स्क्वायर 39065 राइट. ठीक है भेजा कोई फाइनली एक्टिव रहा करो यार क्लास में अगर एक्टिव नहीं रहोगे तो पता पढ़ाने में बिल्कुल मजा नहीं आता है ऐसा लगता है कि बस बोलते जा रहे हैं स्पेशली जब आप लाइव क्लास में हो अगर रिकॉर्डेड होता तो कोई बात नहीं राइट मैं कैमरा के सामने रिकॉर्ड कर दूं बट अगर आप लाइव क्लास में हो देन यू शुड बी एक्टिव ठीक है. प्लस करो इसको कितना आ जाएगा हमारा 390650 ठीक है का अंडर रूट. अब जब इसका आप अंडर रूट निकालोगे तो इसका आंसर आ जाएगा अप्रोक्स 625 अप्रोक्स आएगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. तो दिस विल बी योर आंसर ठीक है. ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का ए. ओके कितना आंसर हो जाएगा 625 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर ठीक है. अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. स्क्रीनशॉट ले लो जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है ठीक है. इसको हाईलाइट कर दे आंसर को तो ये आपका हो जाएगा. इसको हाईलाइट कर देते हैं ठीक है अप्रोक्स इस स्टेप को तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो. अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ठीक है. कौन सा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 का बी ठीक है. अ इंसेक्ट ऑफ मास 20 ग्राम क्रॉस फ्रॉम द सेंटर टू द आउटसाइड एज ऑफ अ रोटेटिंग डिस्क ठीक है. एक रोटेटिंग डिस्क है हमारे पास ठीक है. उसमें क्या हो रहा है एक इंसेक्ट क्रॉल कर रहा है ठीक है. रोटेटिंग डिस्क है तो आपको यहाँ पे डिस्क का फॉर्मूला याद रखना है ठीक है. हम पढ़ेंगे यहाँ पे क्या देखेंगे यहाँ पे आउटसाइड एज ऑफ द रोटेटिंग डिस्क ऑफ मास 200 ग्राम ठीक है. तो कैपिटल एम हमारा हो गया 200 सिंपल वर्ड्स ठीक है. स्मॉल एम हमारा कितना हो गया 20 ग्राम्स ठीक है. एंड द रेडियस इज 20 सेंटीमीटर रेडियस कितना हो गया 20 सेंटीमीटर. द डिस्क वॉज इनिशियली रोटेटिंग एट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 22 रेडियन पर सेकेंड. तो इनिशियल वेलोसिटी यानी ओमेगा 1 हमारा है 22 रेडियन पर सेकेंड. वॉट विल बी द फाइनल एंगुलर वेलोसिटी क्या करोगे यहाँ पर. मैंने हमेशा यह कॉन्सेप्ट याद रखो मास दिया हुआ है एंगुलर वेलोसिटी दिया है क्या लगा देंगे हम मोमेंटम राइट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. क्या हो जाएगा एंगुलर केस में मास की जगह पे हम यूज करेंगे क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1W1 इज इक्वल्स टू I2W2 जहां पर I आपको क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनर्शियल स्टेट पर और I2 हो जाएगा फाइनल ठीक है. अब यहाँ पे I1 की वैल्यू क्या होगी I1 यहाँ पे क्या इंसेक्ट सेंटर से मूव कर रहा है राइट. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट द सेंटर ऑफ डिस्क कितना होता है 1/2 mr² जिसको पता नहीं हो वो अपने एक बार 11th की बुक एक बार खोल कर देख लो या फिर
एक बार अपनी इग्नू की बुक में भी देख सकते हो, ठीक है? क्या होता है, डिस्क के सेंटर पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा होता है 1/2 mr², ठीक है? वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, कितना आ जाएगा 1/2, मास की वैल्यू यहाँ पे क्या है 200 ग्राम है, केजी में कन्वर्ट करो कितना आ जाएगा 200/1000, आर की वैल्यू कितनी हुई 20 cm, इसको ही मीटर में कर दो कितना हो जाएगा 0.2 square, सॉल्व करो कितना आंसर आएगा 1/2 × 0.2 × 0.04, राइट? डेसिमल्स हटा देते हैं सारे, कितना आंसर आ जाएगा अगर डेसिमल हटाएंगे तो हम 4 × 10⁻³, ठीक है? क्या आ गया आपका वैल्यू आ गई I1 की, ठीक है? सिमिलरली I2 की वैल्यू निकालो। अब I2 क्या है आपका फाइनल, तो इसमें क्या है आपका 1/2 mr² में आपके इंसेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ऐड होगा, तो क्या आएगा आंसर 1/2 mr² + small mr² वैल्यू रखो यहाँ पे, इसकी वैल्यू 4 × 10⁻³ प्लस इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी स्मॉल m कितना था 20 ग्राम, 20 ग्राम है भाई, फिर से इसको चेंज करना पड़ेगा हमको स्टैंडर्ड यूनिट में रखने के लिए। आर की वैल्यू आप वापस रख दो 0.2 होल स्क्वायर, कैंसिल करो, 1 0 से 1 0 जाएगा, कितना आएगा 4 × 10⁻³ प्लस अगर मैं इसको ओपन करूँ तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 0.04 और ये कितना आ जाएगा आपका 0.02, राइट? तो ये आपका आएगा 0.8 × 10⁻³, तो हमारा आंसर होगा 4.8 × 10⁻³, ओके? ये क्या हो गया हमारी, ये हो गई हमारी I2 की वैल्यू, ठीक है? अब इसको याद रखना, मैं यहाँ से रेज कर रही हूँ, लेट्स सी वी हैव नेक्स्ट स्लाइड, चलो ठीक है नेक्स्ट स्लाइड है, वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, I1 ω₁ = I2 ω₂, ठीक है? I1 की वैल्यू कितनी आई थी 4 × 10⁻³, ω₁ की वैल्यू हमको दी गई थी 22, राइट? I2 की वैल्यू आई थी हमारी 4.8 × 10⁻³, राइट? ω₂ की वैल्यू हमको फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लोगे, क्या आ जाएगा आंसर 4 × 10⁻³ × 22 अपॉन 4.8 × 10⁻³। कोई बताएगा आंसर इसका सॉल्व करके क्या होगा? ₹18.3 rad/s², ठीक है? 18.3 rad/s, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है? अब इसको अगर असाइनमेंट में लिखना है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्ड्स, थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करके लिखना, ठीक है? मैं बस यहाँ पे आप सॉल्व करके बस बता रही हूँ कैसे सॉल्यूशन करना, ठीक है? अदरवाइज मैं पूरा लिख भी सकती थी, बट इट्स बेटर कि थोड़ा सा आप समझो, है ना, कि कैसे चीजें हो रही हैं, कौन से कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कॉमेट इनोक हैज एन एपीहेलियन डिस्टेंस ऑफ 6.1 × 10⁻¹ एंड पेरिहेलियन डिस्टेंस ऑफ 5.1 × 10⁻¹, ठीक है? ये दोनों क्या दी गई है आपकी, ये दोनों आपकी दी हुई है डिस्टेंस। द मास ऑफ द सन इज 2 × 10⁻³० kg, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द कॉमेट एट पेरिहेलियन, ठीक है? हमको पता है भाई कैसे करते हैं इसको, सिंपल सी चीज है, बीच में आपका सन होगा, ठीक है? सन का ऑर्बिट होता है, जो पास वाला डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं पेरिहेलियन, जो दूर वाला डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं एपीहेलियन, ठीक है? ये आपको डिस्टेंस दी हुई है यहाँ पे, ठीक है? एपीहेलियन की डिस्टेंस आपको कितनी दी हुई है 6.1 × 10⁻¹ और पेरिहेलियन की डिस्टेंस आपको दी है 5.1 × 10⁻¹। मास हमको दिया हुआ है, क्या फाइंड करना है हमको, स्पीड, ठीक है? अब हमको मास दिया हुआ है, स्पीड फाइंड करना, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे मास और स्पीड के बीच में? या तो हमको पोटेंशियल फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है? अब यहाँ पर हम पोटेंशियल फाइंड कैसे करेंगे, हमको डिस्टेंस भी दिया हुआ है, या फिर हमको एनर्जी लगाना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला भी होता है 1/2 mv², राइट?
तो हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, एनर्जी का, ठीक है। सिंपल टर्म्स में कौन सी एनर्जी होगी यहाँ पर, अगर मुझको इस पॉइंट ए पर और इस पॉइंट बी पर अगर एनर्जी निकालनी है तो दो एनर्जी होंगी आपकी, एक हम बोल सकते हैं पेरिहीलियन, कम डिस्टेंस है तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। पहला होगा पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा इस केस में, दो मासेस है, दोनों मास की वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो कौन सा पोटेंशियल एनर्जी वर्क करेगा, ग्रेविटेशनल, राइट। तो हमारा आंसर होगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर, प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, 1/2 एम वी स्क्वायर। ये क्या हो गया आपका एनर्जी एट पॉइंट बी। अब एनर्जी एट पॉइंट ए क्या होगा, केवल पोटेंशियल एनर्जी होगा, यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस हम यहाँ पे निग्लेक्ट करके चलते हैं, इसलिए यहाँ पर हमारी केवल होगी पोटेंशियल एनर्जी यानी माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर, ठीक है। दोनों पॉइंट्स पर हमारी एनर्जी हो गई, ठीक है। हमको क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो हम दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, सिंपल। इसको आप बोल दो इक्वेशन नंबर वन, इसको आप बोल दो इक्वेशन नंबर टू, जो भी चीज मैंने ये बोली है इसी को आप सेंटेंस में स्टेप बाय स्टेप लिखोगे तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आराम से लेंथी हो जाएगा, ठीक है। दोनों को इक्वेट कर दो, क्या आ जाएगा आंसर, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर प्लस 1/2 एम वी स्क्वायर, ठीक है। याद रखना ये बी पॉइंट कौन सा है, पेरिहीलियन वाला, ठीक है, यानी कौन सा डिस्टेंस लिखेंगे हम, ये वाला, ठीक है, इज इक्वल्स टू माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, जी से स्मॉल एम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, वैल्यू पुट करो क्या आएगा आंसर, इसका आंसर निकाल लोगे क्योंकि इसका आंसर सॉल्व करने में बहुत बड़ा आएगा, चलो फिर भी ट्राई करते हैं। क्या निकालना है हमको, यहाँ पे रहेगा हमारा 1/2 वी स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे हम m को कॉमन ले लेते हैं, कितना हो जाएगा 1/r, ये आपका था पेरिहीलियन प्लस 1/r एपिहीलियन, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, ठीक है, m की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2.0 × 10⁻³० इसके 2.0 नहीं 20 आई गेस, राइट। और यहाँ पे आपका आ जाएगा पेरिहीलियन कितना 5.1 × 10⁻¹ प्लस 1/6.1 × 10⁻¹, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ बी, ठीक है, यहाँ पे 1/2 ही लिख रहे हैं। आई एम नॉट सॉल्विंग दिस इंटायर क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि उसको सॉल्व करने में बहुत टाइम लगेगा और हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है अभी सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ये मेथड था, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सिर्फ आपको कैलकुलेटर ही यूज करना है, ठीक है, कैलकुलेटर यूज करके यू विल गेट द आंसर, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक, किसी को डाउट, डन, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है द मास इन केजी एंड द पोजिशन कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ थ्री पार्टिकल्स ए बी सी के, हमको क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है और पोजिशन कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है। कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास के हमको कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो पहले आप लिख दोगे कि सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट हमको पता है क्या होते हैं, एक्स सी एम, अगर हमको एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करना तो वो होगा हमारा एम वन। पूरा लिखना डिटेल में कि सपोज इफ देयर आर थ्री पार्टिकल्स ऑफ मास एम वन एम टू एंड एम थ्री एंड देयर पोजिशन कोऑर्डिनेट्स आर एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एक्स थ्री वाई थ्री, राइट, देन द सेंटर ऑफ मास और द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, जो मैंने पूरा बोला इसको पूरा आप लिखोगे, आपका आंसर क्या होगा, एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू प्लस एम थ्री एक्स थ्री अपॉन एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री, ठीक है। यहाँ पे बस आपको वैल्यू पुट करनी है, x1 x2 x3 क्या हो जाएंगे आपके x कोऑर्डिनेट, इस केस में 0, इस केस में 2 और इस केस में 1, ये हो गया आपके क्या, ये हो गया आपके x कोऑर्डिनेट, ठीक है। इनकी वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे यू विल गेट द आंसर ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब दूसरा हम निकालेंगे y के लिए भी सेम प्रोसेस है,
y के लिए आपका हो जाएगा m1 y1 plus m2 y2 plus m3 y3, ठीक है, अपॉन m1 plus m2 plus m3, ओके। यहाँ पे y कोऑर्डिनेट रखोगे, y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0, 0 और 1, ये हो गए आपके y कोऑर्डिनेट। सिर्फ इतना सा क्वेश्चन था, ठीक है, इन दोनों की वैल्यूज यहाँ पे पुट करोगे, यू विल गेट द आंसर, ठीक है, अंडरस्टूड? एक बार चैट बॉक्स में 1 प्रेस कर दो अगर क्लियर हो तो, सो दैट वी कैन मूव फर्दर। डन, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वी हैव इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये अभी आपका मेरे ख्याल से फोर्थ ही चल रहा है ना। अ पार्टिकल ऑफ मास 10 kg, ठीक है, 10 kg का कोई पार्टिकल है, इनिशियली मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 5 m/s, ठीक है, कोई पार्टिकल है m1, कितना है 10 kg, कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है v1, कितना हो गया 5 m/s, कोलाइड्स इलास्टिकली विद द पार्टिकल ऑफ मास 5 kg, कोई दूसरा पार्टिकल है उसमें जाके टकरा गया, कितना था उसका 5 kg वेट था, ठीक है, उसकी वेलोसिटी कितनी है -8.0 m/s, माइनस क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पे, माइनस डिनोट कर रहा है हमारी डायरेक्शन, ठीक है, अगर एक पार्टिकल यहाँ से मूव कर रहा है दूसरा पार्टिकल यहाँ आ रहा है, ठीक है, ये आपका पार्टिकल 1 हो गया, ये आपका पार्टिकल 2 हो गया, क्या फाइंड करना है, वॉट आर द वेलोसिटीज ऑफ द टू पार्टिकल्स बिफोर एंड आफ्टर द कोलिशन इन द सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, अब यहाँ पे हमको मेन यही देखना है, सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, मतलब अगर ये दोनों आपस में टकरा रहे हैं तो अगर जो बीच में सेंटर ऑफ मास क्रिएट हो रहा होगा, अगर हम वहां पर खड़े हैं, रेफरेंस मतलब क्या होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हम उस पोजिशन से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो अगर आप यहाँ सेंटर ऑफ मास की पोजीशन पर जाकर खड़े हुए हो तो उसकी वेलोसिटी क्या निकल कर आ रही है, ठीक है, अब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी आपको मतलब नॉर्मल हमको वेलोसिटी फाइंड करना है, ठीक है, कैसे फाइंड करोगे, पहले हम कर लेते हैं फाइंड वीसीएम, वीसीएम में भी क्या होगी वेलोसिटी एट सेंटर ऑफ मास, कितना हो जाएगा, क्या होता है फॉर्मूला, एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू अपॉन क्या हो जाएगा m1 प्लस m2, सॉल्व करो क्या आएगा आंसर, रखते हैं वैल्यूज 10 × 5 + 5 × 8 / 10 + 5 हो गया 15, सॉल्व करके आंसर बताओ इसका, सिक्स, एक बार फिर से सीखो सॉल्व करो, यहाँ पे हम -8 भी लेंगे क्योंकि हमको उसकी डायरेक्शन अपोजिट है और वेलोसिटी क्या है वेक्टर है, इसको हम सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा आंसर, 10 × 5 = 50 - 40/15, राइट, तो आंसर आ जाएगा 10/15 यानी 2/3 m/s, ओके, क्या निकल कर आ गई हमारी VCM की वैल्यू, यहाँ लिख देते हैं VCM की वैल्यू आ गई हमारी 2/3 m/s, ठीक है, अब क्या फाइंड करना है आपको, हमको सिंपल यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड करनी है, ठीक है, ये तो आपकी बिफोर कोलिशन दी हुई है, ठीक है, आफ्टर कोलिशन हमारा क्या निकलेगा सेंटर ऑफ मास से, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जस्ट टेलिंग यू द फॉर्मूला हियर, ठीक है, अगर हमको सेंटर ऑफ मास से हमको वेलोसिटी निकालना है तो वो हमारा होता है जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी होती है उसमें से हम क्या कर देते हैं सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्या लिखा मैंने सिंपल, वेलोसिटी अगर आपको सेंटर ऑफ इस पे निकालना है तो आप क्या करोगे उसमें से जो हमारी इनिशियल वेलोसिटीज है इनिशियल वेलोसिटीज में से हम क्या करेंगे जो हमारी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है उसको क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दो सिंपल, तो आपका पहला वेलोसिटी क्या निकल कर आ जाएगा v1
एट सेंटर ऑफ मास, वी वन की वैल्यू कितनी थी 5, माइनस वी सी एम कितना निकल गया था हमारा 2/3, क्या आ जाएगा आंसर? थर्टीन बाय थ्री मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और नेक्स्ट हमको वी टू निकालना है सी एम पर, तो ये आपका हो जाएगा -8 -2/3, कितना हो जाएगा 8 3 24 26 -26/3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इरेज करना है यहाँ पे, हाईलाइट बस कर देते, ठीक है, ये होगा आपका आंसर, पहला 13/3 और दूसरा -26/3, ठीक है। अब -26/3 सिर्फ डायरेक्शन डिनोट कर रहा है नेगेटिव के लिए, कि एक आपका आगे टकरा रहा है और एक क्या है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा एक आपका 13/3 और दूसरा हो जाएगा -26/3, ओके। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर आई गेस 4 डन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The amplitude of a oscillation of a simple harmonic oscillator is 40 centimeter. Amplitude आपको दिया हुआ है 40 centimeter. Show that its instantaneous kinetic energy is less than the average kinetic energy when displaced by 30 centimeter. ठीक है, यानी r जो आपका distance है वो आपका दिया है 30 centimeter, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि जो इसकी इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है, लेस देन होती है हमारी एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो सिंपल फॉर्मूला लगेगा इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी का, आपका फॉर्मूला होता है क्या, 1/2 k a² - x², ठीक है। के आपका यहाँ पर क्या होता है कि आपकी वैल्यू होती है ω/T आई गेस, राइट। सिंपल फॉर्मूला 1/2 k a² - x² यहाँ से वैल्यू पुट कर दो, सेंटीमीटर में हमको अब मीटर में रखना पड़ेगा, तो 0.4 और 0.3, ठीक है, क्या आ जाएगा आंसर, 1/2 k 0.4² - 0.3² इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट सम वैल्यू, ठीक है। सॉल्व करके इसका वैल्यू निकालो। नेक्स्ट हमको निकालना है एवरेज काइनेटिक एनर्जी। एवरेज काइनेटिक एनर्जी आपकी होती है ka² / 4, ठीक है, क्यों, क्योंकि जो हमारी टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है 1/2 k², ठीक है। जब हम एवरेज निकालते तो हम उसको हाफ से और डिवाइड कर देते तो वो हो जाती है हमारी ka² / 4, ठीक है। k की वैल्यू हमको नहीं दी तो हम k की वैल्यू नहीं रखेंगे, a फिर से आप रखो 0.4² / 4, दोनों को सॉल्व करके आंसर बताओ कितना निकलेगा, क्या आएगा, k के टर्म्स में आएगा, राइट। भेजा किसी ने आंसर, क्या होगा, 1/2 × k 4² हो जाएगा 16 0.16, 3² हो जाएगा 9 0.09, सॉल्व कर दो 16 - 9 कितना हो जाएगा 7 0.07, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.07/2, यानी 0.035 करके कुछ आएगा, 0.07 / 2 कितना हो जाएगा 0.035, ठीक है। यहां से निकाल दो वैल्यू k इंटू 0.4 कितना आ गया 0.16, 0.16 को किससे डिवाइड कर देंगे हम 0.16/4, सॉल्व कर दो / 4, 0.16 k/4 कितना आंसर आ जाएगा 0.04, ठीक है। क्या बोल रहा था वो हमें, हमको प्रूफ करो कि जो इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी है वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी से लेस है, तो यहाँ पे हमको दिख ही रहा है 0.03 is less than 0.04, हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक है, अंडरस्टूड। कैसे किया, सिंपल फॉर्मूला था, हमको फॉर्मूला यूज करना था,
ये फॉर्मूला लिखने से पहले आप थोड़ा सा डिस्क्राइब कर सकते हो कि वी नो द फॉर्मूला, वी नो बाय द एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, द इंस्टेंट काइनेटिक एनर्जी विल बी 1/2 k एम्पलीट्यूड स्क्वायर माइनस डिस्टेंस स्क्वायर. फिर आप वहां पे लिख सकते हो कि वी ऑल्सो नो द टोटल एनर्जी इज डिफाइंड एज सच, और फिर वहां पे हम क्या निकाल सकते हो, उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, दिस वॉज द क्वेश्चन. ठीक है, देखते हैं कितने क्वेश्चंस हमारे पास. 3 क्वेश्चंस लेफ्ट है. आज करना है या कल करना है? लेट्स सी. 2 कोलिनियर हार्मोनिक ऑसिलेशंस आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन. ठीक है, कैलकुलेट द एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड क्या है इसमें? ये 6 और 8. ठीक है, सुपर इम्पोज करोगे तो एम्पलीट्यूड क्या निकल कर आ जाएगा? अंडर रूट a1 square प्लस a2 square प्लस 2a1 a2 cos. अब यहाँ पे दो एंगल से तो 5 1 माइनस 5 2. ठीक है, 5 1 आप यहाँ पे जो ग्रेटर वैल्यू है वो लिख सकते हो, 5 2 जो स्मॉलर वैल्यू है वो लिख सकते हो. वैल्यूज पुट करोगे यू विल गेट द आंसर फॉर द एम्पलीट्यूड. ठीक है, हमारे क्या निकल कर आ जाएगा, हमारे यहाँ से एम्पलीट्यूड निकल कर आ जाएगा. फेज कॉन्स्टेंट क्या होता है? फेज कॉन्स्टेंट का फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स. किसी को याद आया? टेन इनवर्स करके निकालते थे. एम्पलीट्यूड 1 sin φ 1 प्लस एम्पलीट्यूड 2 sin φ 2 अपॉन एम्पलीट्यूड 1 cos φ 1 प्लस एम्पलीट्यूड 2 cos φ 2. देखो मैं सॉल्व तुम लोगों को सॉल्यूशन या पूरा सॉल्व करके बता सकती हूँ, बट आई रियली वांट कि एटलीस्ट तुम लोग एग्जाम्स के पहले एक बार अपने असाइनमेंट क्वेश्चन सॉल्व करके देखो. ठीक है, यहाँ से आप वैल्यू पुट करोगे, जो भी आपको एंगल मिलेगा वो रहेगा आपका 10 के टर्म्स में, वो हो जाएगा आपका क्या, फेस कॉन्स्टेंट. ठीक है, एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला ये हो गया, फेस कॉन्स्टेंट का फॉर्मूला ये हो गया. पीरियड कैसे निकल कर आएगा? अब देखो टाइम तो यहाँ पे दोनों का सेम लग रहा है, राइट? तो पीरियड हम कैसे निकाल सकते हैं? पीरियड हम दोनों की वैल्यू सेम करके निकाल सकते हैं, राइट? तो टाइम क्या होता है? ओमेगा इज इक्वल्स टू 2π ν, टाइम इज इक्वल्स टू 1/f. सिंपल फॉर्मूला था, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2π ν और टाइम हमारा क्या होता है, 1/f. तो यहाँ पे वैल्यू रख दो 1/2π ν. ठीक है, वेलोसिटी यहाँ, सॉरी फ्रिक्वेंसी तुम्हारी कितनी है? यहाँ पे क्वेश्चन से कोई देखकर बताएगा फ्रिक्वेंसी कितनी दी हुई है? जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सप्रेशन का, इसमें जो हमारा ओमेगा होता है वो ओमेगा ये वाला पार्ट होता है ना, राइट? तो हमारी फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी? फ्रिक्वेंसी हमारी हो जाएगी 1/10π. ठीक है, सिंपल वर्ड्स में अगर आप देखो तो ये हमारी हो जाएगी फ्रिक्वेंसी 1/10π. तो यहाँ से आपका निकल कर आ जाएगा टाइम या पीरियड ऑफ द रिजल्टेंट ऑसिलेशन. ठीक है, 3 फॉर्मूले से बस आपको वैल्यू पुट करनी. यहाँ पर 6 और 8 रखोगे, यहाँ पर भी आप 6 और 8 रखोगे. एंगल आप एक जगह पे π/6 रखोगे और एक जगह पे π/3 रखोगे. ठीक है, और जैसे आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट द सॉल्यूशन. ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. अदरवाइज क्या होगा ना, लास्ट रिपीट करना. कौन सा वाला लास्ट, टाइम या फिर फेज? टाइम. ठीक है, टाइम का फॉर्मूला हमारा होता है 1/f. ठीक है, ये होता है हमारा फॉर्मूला, टाइम इज इक्वल्स टू 1/f, जहां पे f आपकी क्या है, फ्रीक्वेंसी. ये 2π ν नहीं आएगा, फ्रीक्वेंसी को ही हम ν से डिनोट करते हैं, f को ही हम ν से डिनोट करते हैं. ठीक है, अब जो ν होता है वो इस एक्सप्रेशन में क्या है हमारा, 10π. ठीक है, ये जब आप एक्सप्रेशन देखोगे तो पता चला कि जो फर्स्ट टर्म है वो एम्पलीट्यूड होता है, जो सेकंड टर्म है ये हमारा ओमेगा टी रहता है, तो जिसमें ये हमारा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है. ठीक है, और ये लास्ट हमारा होता है एंगल. तो फ्रीक्वेंसी आपकी यहाँ पे दी हुई है 10π. हम सिंपल वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, टी इज इक्वल्स टू 1/10π. तो ये आपका जब इसको सॉल्व करोगे तो सेकेंड्स में कुछ आंसर आएगा, तो जो सेकेंड्स में आंसर आएगा वो आपका हो जाएगा पीरियड ऑफ रिजल्टेंट ऑसिलेशन. अब समझ में आया?
ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव द क्वालिटी फैक्टर ऑफ अ सोनोमीटर इज 3000. ठीक है, क्वालिटी फैक्टर को किससे डिनोट करता है हम, क्यू. क्यू हमको कितना दिया है, 3000. द वायर वाइब्रेट्स एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 250 हर्ट्ज. ठीक है, किस पे डिनोट कर रहा है ये, फ्रीक्वेंसी यानी एफ को. एफ हमारा कितना है, 250 हर्ट्ज. कैलकुलेट द टाइम इन विच इट्स एम्पलीट्यूड विल रिड्यूस टू हाफ. तो जो रिड्यूस जब हाफ करता है तो वो क्या होता है, जो हमारा टाइम रिलैक्सेशन टाइम निकलेगा उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे लॉग 2 से. ठीक है, तो हमको मेन यहाँ पे निकालनी है इस रिलैक्सेशन टाइम का वैल्यू. ठीक है, तो अब रिलैक्सेशन टाइम की वैल्यू क्या होती है, तो फॉर्मूला हमारा होता है क्यू इज इक्वल्स टू 2 ओमेगा नॉट बाय टी. ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है. ठीक है, इसको नोट कर लो, जिसको जहां पर भी नोट करना है. ठीक है, आपका फॉर्मूला आ गया. यहां से आप क्या निकाल सकते हो, यहां से आप निकाल सकते हो किसकी वैल्यू, टी की वैल्यू. ठीक है, तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, टी की वैल्यू यहां से आ जाएगी 2 ओमेगा नॉट बाय क्यू. ठीक है, यहां से हम टी की वैल्यू फाइंड करेंगे. जो टी की वैल्यू है उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, कौन सी इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में. लॉग 2 की वैल्यू रखोगे, यू विल गेट द आंसर कैपिटल टी. ठीक है, बस ये यहाँ पे क्वालिटी फैक्टर को थोड़ा सा डिस्क्राइब करना पड़ेगा. तो आप थोड़ा सा क्या कर सकते हो, क्वालिटी फैक्टर को डिस्क्राइब कर सकते हो अपने वर्ड्स में, एक डेफिनेशन लिख सकते हो कि क्वालिटी फैक्टर ये होता है और उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला हम इससे डिनोट करते हैं. ठीक है, ऐसे करके आप डिस्क्राइब कर सकते हो. ओके, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन. ठीक है, ऑफ द सेशन, और ये आपका असाइनमेंट 131 कंप्लीट. ठीक है, इसको बस आप अपने नोटबुक्स में लिख लेना. किसी को कंफ्यूजन हो तो नेक्स्ट क्लास में आके पूछ भी सकते हो कि मैम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, नहीं बना, आई एक्सप्लेन. ठीक है, क्या दिया हुआ है, अ ट्रांसवर्स वेव ट्रैवलिंग इन द पोजिशन x डायरेक्शन गिवन बाय 6 sin 80 - 0.5 x. ठीक है, क्या फाइंड करना है आपको यहाँ पे, आपको फाइंड करना है यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ द वेव एंड मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी. ठीक है, फिर से सिंपल सा चीज है, हमको दो फॉर्मूले लगाने हैं यहाँ पे. एक आपको लगाना है वेलोसिटी का फॉर्मूला, वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला. दूसरा आपको लगाना है क्या, दूसरा आपको लगाना है यहाँ पे आपका मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला. ठीक है, किसी को पता है वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नहीं पता. मैंने कहा यहाँ पे बस दो फॉर्मूले लगाने हैं, एक वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाना है और एक हमको फाइंड करना है मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी. ओके, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी. ठीक है, अब इक्वेशन हमको क्या दी हुई है, वाई इज इक्वल्स टू एक्स टी. कोई बोला, नो नहीं पता. ओके, हमको क्या दिया है, 6 sin 80 - 0.05 x. ठीक है, अब मैंने प्रीवियस इसमें स्लाइड बताया था, 6 क्या है आपका, 6 आपका एम्पलीट्यूड है, 8 आपका क्या है, 8 आपका ओमेगा है, और ये आपका रहता है के एक्स. ठीक है, तो ये हो गया के, ये हो गया ओमेगा, और ये हो गया हमारा एम्पलीट्यूड. ठीक है, अब वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला आपका होता है डब्ल्यू, या फिर आप डिनोट कर सकते हो वी से. डब्ल्यू तो आपका एंगुलर वेलोसिटी है, राइट, होता है डब्ल्यू अपॉन के. ठीक है, सिंपल, वेव वेलोसिटी को हम वी से डिनोट करते हैं, आपका तो है एंगुलर वेलोसिटी अपॉन के. ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो ओमेगा की 8, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.05. यू विल गेट द आंसर ऑफ द वेव वेलोसिटी, कितना आ जाएगा, सॉल्व करो इसको, 8 अपॉन 0.05.